Sierra Budde. स्ट्रगल करते हुए ऊपर आने के लिए हम चढ़ गए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरावली हिल्स का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके अंदर हम आज का प्लान है एक्सप्लोर करने के लिए हम सकतपुर विलेज, लियोपार्ड ट्रेल्स और दमदमा लेक। और वहाँ पे किसी ने बताया कि एक दो ऑफ ट्रैक भी हैं, ऑफ रोड के ट्रैक भी हैं, तो हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तभी मैं और सुनीता जी दोनों निकल रहे हैं। तो जितना भी अरावली हिल्स का एरिया है उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल टेकी ऑफ रोडर में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो प्लान है, आज हम दमदमा लेक, लियोपार्ड ट्रेल्स और एक सकतपुर विलेज है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो कि अरावली हिल्स का एरिया है। आप राइट ना, वहाँ भी हम दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से हम मानेसर होते हुए सकतपुर एरिया में, सकतपुर विलेज में जाएंगे। सबसे पहले वहीं का हमने मैप लगाया है, हम वहीं जाएंगे। तो अरावली जी हिल्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए। सो फाइनली हम गुड़गांव में लियोपार्ड ट्रेल्स के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। मैप के अकॉर्डिंग अभी जो है वो 9 से 10 मिनट लगेंगे और आगे देखते हैं व्यू कैसा है। जो यहीं कहीं से लेफ्ट है, आई थिंक हाँ यही है। अब आप देखेंगे तो अब आपको लगेगा कि यस, कुछ जंगल का एरिया, अरावली हिल्स का एरिया स्टार्ट हो गया है। ये सारा विलेज एरिया है और धीरे धीरे हम जो है इसके अंदर, अरावली हिल्स के अंदर जो गांव का एरिया है उसके अंदर हम अंदर की साइड में जा रहे हैं। बीच में शिव मंदिर है यहाँ पे। ये पहाड़ों के बीच में आप व्यू देखेंगे तो फाइनली हम लोग लियोपार्ड ट्रेल्स पर पहुंच गए हैं। आप देखेंगे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये बीच में एक छोटी सी लेक है। हेलो
अब बिल्कुल कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया है इधर। ये गांव का ही एरिया है जहाँ पे काफी सारे रिसोर्ट बने हुए हैं, और साइड में देखेंगे तो अरावली हिल्स का व्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे कैफे ही कैफे हैं। अगर आप इवनिंग में यहाँ पे आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो अरावली हिल्स के बीच में यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप यहाँ से व्यू देख तो ये एक कैफे इधर है, एक आगे है, सामने अरावली हिल्स है, सामने जंगल कैफे है, और ये जो गांव का नाम है पंडाला है, पंडाला। अब हम इस पंडाला गांव के लास्ट में आ गए हैं, एंड में आ गए हैं। यहाँ के रिसोर्ट्स, जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जहाँ पे फैमिली के साथ लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वीकेंड पे स्टे करते हैं। तो गाइस, अब लोग हम जो ट्रेल्स हैं, ऑल दो ये रास्ता 4x4 का है, पर हम अभी वॉकिंग डिस्टेंस से भी लोग यहाँ वॉकिंग में ही कर रहे हैं, तो हम लोग अभी ट्रेल्स को एंजॉय करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, व्यू है वो नीचे का अच्छा दिखाई देता जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से देखो व्यू तो यहाँ से बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। तो हाँ, ऑफरोडिंग का ट्रैक तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और हम अभी अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं इसके, जो अरावली हिल्स का फॉरेस्ट एरिया है। अभी हमने किसी भैया से बात की थी, उन्होंने बोला कि ऑफरोड का ट्रैक है ये, पर हमने चेक किया तो हमारी जो स्कॉर्पियो 4x4 के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वो नहीं आ पाती। थार के लिए ये ट्रैक बिल्कुल सही है, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, आपको पूरा व्यू आएगा। सो दो रास्ते हैं, ये शॉर्टकट वाला है जहाँ से लोग अभी सुनिता भी ट्राई कर रही है चढ़ने की, डायरेक्ट ये हिल के ऊपर चढ़ जाएंगे। दूसरा रास्ता ये एक लंबा रास्ता है जो घूम करके वहीं पे आएगा। दोनों रास्ते आने वहीं हैं, बट ये शॉर्टकट है। सो साथ अब हम भी ट्राई करते हैं। फोन को जेब में डालूं? नहीं चला जाएगा, क्यों? हाँ, फोन को जेब में डाल। नहीं, मैं कह रहा स्लिप हो रही है। चल चल ट्राई कर, इधर से ट्राई कर, इधर से। उतरेंगे कैसे? उतरने का रास्ता उधर से है।
बस हो गया ऊपर तो इतना ही था, यही वाला टॉप पार्ट था। ऊपर आ रहे हो आप? हाँ 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 चल चल। ये सुनीता स्ट्रगल करते हुए ऊपर आने के लिए, और फाइनली हम चढ़ गए। एक छोटा सा शॉर्टकट था, थोड़ा लंबा राउंड से भी आ सकते थे, ये शॉर्टकट था। और आप यहाँ से अगर व्यू देखेंगे पूरी सिटी का, नीचे रोड है, और ये अभी आगे का ट्रेल है जहाँ पे अभी हमें जाना है। थोड़ा सा वो जाते हैं, मिड ऑफ द ट्रेल्स। अगर आप यहाँ देखेंगे सामने सूर्य देवता है, और इधर से हम आए थे। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो बाइकर्स हैं, बाइकर्स का ये फेवरेट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बाइक का जो ट्रेल्स हैं, आप देखोगे ये एक बाइकर्स की बाइक है। हम जितने आगे जाते जा रहे हैं ऐसा लगता है ये ख़त्म हो जाएगा, बट ये और आगे ही बढ़ता ही जा रहा है। जो नीचे एक भैया, तो उन्होंने बताया था कि गाड़ी लेके थार लेके आते हैं, तो यहाँ से आगे जाके नीचे दूसरी साइड NH 8 पे उतरने का रास्ता भी है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि, पता नहीं अभी जब आगे जाएंगे तो दिखेगा कि कोई आगे रास्ता है या नहीं। इतना साइलेंस है इधर कि आप चलते हो तो आपके पैरों की आवाज़ है वो भी आप सुन सकते हो। आगे आगे जाते जाते रास्ता बिल्कुल नैरो होता जा रहा है। सो फाइनली हमने डिसाइड किया अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब शाम होते जा रही है और हम 1.5-2 किलोमीटर आगे हैं ऊपर, तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं भी आ ही रही हूँ, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। मेरे ख्याल से इतना टफ तो नहीं है, चढ़ाई तो हो ही जाएगी।
देखो गाड़ी आई हुई है ना, देखो हिम्मत करके लोग गाड़ी लेके आ ही रहे हैं इधर। हम लोग नहीं लेके आए क्योंकि स्कॉर्पियन के हमारे ग्राउंड क्लियरेंस से कम है, तो हम लोग नहीं लेके आए थे। हाँ अभी इतना वो चलना है, आप वो नीचे देखोगे जो स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, हाँ वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो ऑलमोस्ट हम लोग बैक आ ही गए हैं, 100 मीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो हम लोग अभी वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो आपको पूरा व्यू दिखाया यहाँ का ट्रैक का। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो आते हैं ट्रैक करने के लिए। फाइनली गाइज हमने ये ऑफ ट्रैकिंग का जो रास्ता था वो पार कर लिया है और अब हम नीचे उतर गए हैं। थोड़ा सा रेत की जगह है जहाँ पे हम अपने स्कॉर्पियो को एक बार टेस्ट करेंगे, निकल पाती है या निकल पाती यहाँ से, सो देखते हैं। और ये बिल्कुल आराम देखा, पीछे काटे हैं, हाँ काटने हैं। अब दूसरी साइड से ट्राई करेंगे गाड़ी को। दोबारा से गाड़ी को ट्राई करेंगे, पूरा अच्छे से चेक करेंगे। बस और लो बस ये काटे हैं।
तो फ्रेंड्स, हमारी स्कॉर्पियो ने जो रेत वाला ये रास्ता था उसको, उस पर हमने इसको चेक किया, बहुत ही इजीली गाड़ी निकल गई। और ये जो सामने जगह है, अभी हम वहाँ पे जाके चाय नाश्ता और टी लेंगे, तो सुबह यहाँ पर निकल जाएंगे। ये चाय का आनंद लेते हुए, कुल्हड़ वाली चाय। ये हमारी ब्लैक चीता स्कॉर्पियो। सो फाइनली अब अपनी ब्लैक चीता के साथ में रिटर्न का प्लान करते हैं, घर के लिए वापसी। और मैं आपको एक बार फाइनली क्लोज करने से पहले वो दिखा दूँ। ये वो ट्रैक है जिसमें ऊपर जाके काफ़ी सारे पत्थर हैं जो कि स्कॉर्पियो के ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से दिक्कत करते हैं आगे जाके। हमें लगा कि गाड़ी नहीं निकल पाएगी, इसलिए हमने वो ट्राई नहीं किया, बट एक फॉर्चुनर वाले ने और थार वाले ने ट्राई किया था, वो लेके गए थे ऊपर। मोस्टली जो यहाँ पे जो भैया हैं उन्होंने बताया कि लोग लेके जाते हैं, थार वगैरह को लेके जाते हैं। अभी शाम हो गई है, शाम के 5:30 बजे का टाइम, और आप देखोगे तो व्यू एकदम से जैसे जैसे शाम होती जा रही है बहुत ही सुंदर व्यू होता जा रहा है। और हमने अपने जो स्कॉर्पियो की ऊपर वाले ये रूफटॉप है उसको ओपन किया है, और यहाँ से आप व्यू देखो ऊपर का कैसा व्यू आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, शांति एकदम। मन साथ साथ ही चल रहा है।